गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सुबह 6 बजे आके सोए हैं 7 बजे तक, और फिर अभी उठे हैं 12 बजे। तो बहुत हालत ख़राब है, मैं और भैया तो एकदम आलस है। आप अभी नींद भरा पड़ा ऐसा लग रहा है, जैसे नींद कंप्लीट की है, उठ गए हैं। अब ब्रेकफास्ट तो हो नहीं पाया क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम में सो रहे थे। अब खाना खाने का टाइम हो चुका है, आफ्टरनून मतलब लंच का टाइम हो गया है, तो लंच वंच करेंगे। और बाहर में अक्षु अपने दोनों दादियों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, तो देखता हूँ, इधर से दिखाता हूँ आपको कैसे चल उनका क्रिकेट मैच। कमेंट्री कर रहा हूँ मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। चलो बना तो रहा हूँ। मिस हो गया। आउट हो गया। चल मेरी बारी। आप पालिंग करो। चलो। नहीं ना यार, ये अपने टाइम में नहीं देता है यार। राउंड दिखाऊंगा। वो तो आप आउट हो, कैसे दिखा देंगे। दौड़ नहीं पा रहा अक्षु, तो रन नहीं बना पा रहा अक्षु, कैसे चलेगा ऐसे, तो हाथ में चले जा रहे दादी के। चीटिंग कहाँ कर रहा है, ऐसी तो होता है क्रिकेट। चलो ठीक है। अब चीटिंग नहीं करेंगे। चलो रन नहीं बना पा रहा अक्षु, तो का सब रूल पता है उसको। भैया इसको सब रूल पता है क्रिकेट का, लेकिन ना जितना गेम का रूल पता है सबको मिक्स कर देता है। ये कभी फुटबॉल खेलता है क्रिकेट में, कभी कभी रेस लगाता है। नहीं मार पाया। कास वाइट बॉल तो दूर होता है, उसको बोलते हैं पास वाले, तो नहीं बोलते हैं वाइट बॉल। बैठ के खेल रहा है। अब नहीं मार पाया। छू नहीं मार पाया। बाजी का भी काल बाजी दे दिया था ना भाई, दादी ही खेलेगी ना बैटिंग। अब ऐसे झूला अच्छा, ए उधर उधर, ए झूला वाला देना। वाह, अपने टाइम में कैसे ढुलाई वाला नहीं देता है। हाँ, सिक्स गया, सिक्स। नया नया रूल बनाता है अपना तरफ को तो। वाह, अपने टाइम में कैसे ढुला के देते हैं। ढुला के देना भाई, ढुला के। दो बॉल में अपनी बारी आ गई। हंड्रेड रन दिखाएगा। आउट हो गया। बाहर मारने का आउट है। आउट हो गया। बाहर मारने का आउट है। तो दोस्तों अभी पार्टी में जाने के लिए है थोड़ा टाइम, तो दोनों मम्मी ने सोचा कि टाइम को यूटिलाइज करें, उसके लिए बना रहे हैं आज तिल का लड्डू। और ये लग रहा है बहुत टेस्टी देखकर, और हमारी दोनों मम्मी एक्सपर्ट हैं, कुछ ना कुछ करती रहती है, खाली बैठने के लिए आते हैं इनको, तो हमेशा कुछ खाने पीने का बनते रहता है, स्नैक्स वगैरह। तो अभी हमारे स्नैक्स बन रहा है तिल के लड्डू, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसके लिए कुछ नहीं है। पहले बनाते हैं थोड़ा सा चाशनी, जो कि आप देख चुके हैं कैसे बन रहा था। उसके बाद इसमें है ये तिल है, और तिल में थोड़ा थोड़ा जो फली दाने होते हैं उसको थोड़ा सा कूट लिया गया है, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया गया है, जिससे वो सही से चिपक जाए और ज़्यादा बड़ा साइज़ का ना हो। तो उसके साथ ही ये डिलीशियस लड्डू तैयार है। अब थोड़ा देर इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो इसका शेप है अभी गर्म गर्म रहता है, तो
मतलब ऐसे चकाने का डर रहता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा सूख जाता है और टाइट हो जाता है, तो फिर खाने में अच्छा लगता है और टेस्टी लगता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, रेसिपी बहुत ईजी रहता है और बहुत ही क्विक टाइम में बन जाती है अच्छी रेसिपी। तो उम्मीद करता हूँ आप ट्राई करेंगे, और अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से जानना होगा रेसिपी के बारे में तो आप फिर से मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे घर आए दिन बनते रहता है।